साहस सरोकार। चौदह अप्रैल को पीएम मोदी का असम दौरा, विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी दौरे पर अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। आजमगढ़ में 4,583 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री आज कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक। मनसुख मांडविया बोले, घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। मदरसों में भी नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी भर्ती। नया आयोग ही कराएगा टेट की परीक्षा का आयोजन। राजधानी लखनऊ में कोरोना का बढ़ रहा प्रकोप, संक्रमितों की दर में हो रहा इजाफा। बीते दिन 35 नए कोविड मरीज मिले। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वह जनता को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस दौरान वह सबसे बड़े कौशाम्बी में कड़ाधाम के फसिया मैदान में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 117 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित बताई जा रही है। इसके बाद वह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वह 4,583 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से कुंडा प्रतापगढ़ के लिए निकले प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री सुनील बरारा का उनके समर्थकों ने रायबरेली सिविल लाइन चौराहे के पास जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए श्रम मंत्री सुनील बरारा ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। वहीं कसते हुए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दगा कारतूस बताया। हासिल करने को लेकर के वो अरण गरण बयान दे रहे हैं और जनता उनका बयान संज्ञान लेती नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि वो स्वयं भी जब चुनाव हार गए तो उन्हें अभी ये सपना है कि मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के डूबते जहाज को उठा करके तहरा दूंगा, तो वो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया। मैं राघवेंद्र पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय परोसराम पर्षद रायबरेली, और इस समय मैं प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री हूँ। आज यहाँ पे सिविल लाइन का क्या कार्यक्रम था आप लोगों ने? हमारे ब्राह्मण नेता श्री बराला जी, सुनील बराला जी आए हुए थे, वो कुंडा जा रहे हैं। सतप्रकाश मिश्रा सेनानी जी की माँ का निधन हो गया, वहाँ पर उस संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। उसी परपक्ष में हम लोग यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े थे। स्वागत में हमारे साथ जिला अध्यक्ष अजय वाजपेयी जी थे और जिला उपाध्यक्ष विजय द्विवेदी जी थे। हमारे और सब कार्यकर्ता लल्ला मिश्रा सोरा और आज लोग सभी लोग हम मौजूद। ये बराला जी क्या है? ये बराला संबल में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने प्रेमी युगल पर हमला किया, जिसके बाद प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई और प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। थाना चंदौसी के अंतर्गत ग्राम मौलागढ़ के पास में आज शाम के समय पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर दो व्यक्ति पड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जब चेक किया गया तो उसमें से जो एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की की मृत्यु मौके पर ही हो चुकी थी और लड़के के पेट में घाव था। इसको उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। गहन जाँच से यह बात सामने आई
कि इसमें से जो लड़की है वो मंजू उसका नाम है और वो यहीं के पास के गांव की रहने वाली है। जो लड़का है उसका नाम सचिन है, दोनों ही सजातीय हैं। ये किस परिस्थिति में वहां पर थे और इनके ऊपर खबर हरदोई से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते चार घरों में आग लग गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के प्रयास से दो घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से चार घरों की गृहस्थी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के मतुआ के एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर की चिंगारी से धीरे धीरे पास के तीन और घरों में आग की लपटें पहुंच गईं। सभी के घर कच्चे बने हुए थे, जिसके कारण घर में मौजूद छप्पर, चारपाई, कपड़े, गृहस्थी, अनाज जलकर खाक हो गया। ग्राम प्रधान असद शाहिद ने पूरे मामले की सूचना फायर ब्रिगेड और दो घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। पीड़ित परिवार इस घटना से काफी परेशान है। औरैया में हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिसर और बजरंग दल के द्वारा कराया गया, जिनमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई और प्रशासनिक अधिकारी भी यात्रा में शामिल होकर सभी पर शांतिपूर्ण तरीके से निकलने की अपील करते रहे। यह यात्रा औरैया के अजीत मल के प्राचीन मेला ग्राउंड से शुरू की गई और पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अध्यक्ष पर्षद अजीत मल, प्रमोद सिंह भदौरिया। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है बजरंग दल द्वारा और विश्व पर्षद द्वारा ये जो सभा का जो हमारी पदयात्रा राम पदयात्रा हनुमान जयंती पर प्रदर्शित की जा रही है, उसका उसके लिए सभी लोगों से सहयोग एवं सहना प्राप्त। जय श्री राम। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, जिला संयोजक बजरंग दल जिला औरैया। आज यहाँ हमारे अजीतमल प्रखंड में श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम सारे बजरंग दल की तरफ से समस्त हिंदुस्तानियों को एवं हिंदू को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सब स्वस्थ रहें, भगवान श्री राम सबकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय जय वीर हनुमान। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त भक्त को इसमें उपस्थित रहकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैनपुर में सट्टे लगाने का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि घिरोर थाने में महज 50 मीटर की दूरी पर खुलेआम सट्टा लग रहा है। इससे पहले भी सट्टे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं है। बता दें पुलिस प्रशासन को कोई भी खबर नहीं है। वहीं सट्टेबाजी का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं सट्टेबाजी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के कानों कान तक कोई खबर नहीं है। सट्टेबाजी का वायरल वीडियो हुआ है, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सट्टेबाजी का खेल खेला जा रहा है। बता दें कि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अमरजीत हमसे जुड़ चुके हैं। अमरजीत, सट्टेबाजी का लाइव वीडियो वायरल हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन को इसकी कोई खबर भी नहीं है। जी, मैं आपको बताऊंगा, सट्टा का जो लाइव वीडियो आज से 7 दिन पहले वायरल हुआ था, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन इतवार पर वीडियो वायरल हुआ था। उस पर पुलिस ने संज्ञान में लेकर उन लोगों को कड़ी कार्रवाई करने का अनुशासन दिया है। हेलो,
जी धन्यवाद अमरजीत हमसे जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस